गुड मॉर्निंग और नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फंडा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एलजी एयर कंप्रेसर के कंट्रोलर के बारे में बताऊंगा कि उसमें प्रेशर सेटिंग कैसे करें। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए, आपको देख के पता लग जाएगा। इसके लिए आपको मेनली ऑपरेटर में जाना होता है। ऑपरेटर में जाने के लिए आपका पासवर्ड है 4545, वो पासवर्ड एंटर कीजिए। उसके बाद ऑपरेटर में ऑप्शंस आएगा, मेंटेनेंस, व्यू, प्रेशर सेटिंग। तो आपको प्रेशर सेटिंग में जाना होगा। प्रेशर सेटिंग में जाने के बाद आप अपना उस पे बटन पे एंटर कीजिए और अप डाउन करके आप प्रेशर लोडिंग और लोडिंग प्रेशर को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सर्विस में जाके आप जो भी सर्विस इंटरवल उस टाइम को सेट कर सकते हैं, उसका पासवर्ड है 3434। और उसके बाद आप मेंटेनेंस के लिए जाना है तो आप ऑपरेटर में जाइए, मेंटेनेंस में जाइए और जो भी सर्विस आपने की है वो सर्विस टाइम को फिट कर दीजिए। उसके बाद ये आपकी सर्विस शेड्यूल वहाँ पे फिट हो जाएगी और आपका कंट्रोलर रिसेट हो जाएगा। आप रिसेट कर देंगे उसको, रिसेट बटन होती है न्यूरॉन कंट्रोलर में। मेनली एलजी के पास तीन टाइप की कंट्रोलर है, एक न्यूरॉन XT, न्यूरॉन 1, न्यूरॉन 2 और न्यूरॉन 3 कंट्रोलर। सर्विस का पासवर्ड 3434 एंटर करने के बाद आप मेंटेनेंस में जाइए। यहाँ पे आप एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर की टाइम सेटिंग कर सकते हैं। ये रहा क्लॉक, यहाँ पे आप क्लॉक को रीसेट कर सकते हैं कंप्रेसर का। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, टेम्परेचर, फैक्ट्री सेटिंग। फैक्ट्री में आपको पासवर्ड डालने होगी 2323। इसमें आपको मशीन, ड्रायर, कंप्रेसर इन्फो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप मशीन में जाइए। टेम्परेचर सेटिंग आप सेट कर सकते हैं। ट्रिप टेम्परेचर हमारी 110 है, 105 वार्निंग है।